नमस्ते दोस्तों, लिप टू ईट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, यानी कि 1K सब्सक्राइबर। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कुछ मीठा बनता है बनाना। इसके लिए आज हम बनाएंगे चॉकलेट की गुजिया। ये खाने में बहुत टेस्टी होगी। इसके लिए हमने आधा कप मैदा ले लिया है। हम मावे की गुजिया तो बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम चॉकलेट की गुजिया बनाएंगे, थोड़ा चेंज। होली का त्यौहार आ रहा है इसलिए इसमें से हम 1 चम्मच मैदा निकाल देंगे। ये आधा कप मैदा लिया है। इसमें 1 बड़ा चम्मच हम घी डालेंगे। ये देसी घी है। घी में ही गुजिया अच्छी लगती है, वैसे आप तेल घी भी बना सकते हैं। अब इसको हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमने अच्छे से मैदा में मल लिया है। देखिए, इसकी इस तरह से पेड़ा बनने लगा है, तो इसमें मोइन सही है। अगर आपका कम हो तो थोड़ा और डाल लें आप घी। अब इसको हम गूंदने में पानी से गूंदेंगे। पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे पानी और गूंदने से ही गूंदेंगे। दोस्तों देखिए, गुजिया का डो बन के तैयार है। ये इतना टाइट है जैसे हम पूरी का आटा करते हैं, उस तरह का है। अब इसको हम गीले रुमाल से ढक के, जो पूरा अच्छे से निचोड़ा है, इसको रख देंगे ढक के आधा घंटे के लिए। दोस्तों फिलिंग की सामग्री तैयार कर लेते हैं। गैस पे हमने एक पैन रख दिया है। इसमें हम आधा चम्मच घी डाल देंगे। अब इसमें हम ये 1.5 बड़ा चम्मच हमने ये नारियल घीस लिया है, सूखा नारियल जो होता है। इसको इसमें डाल के हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे। दोस्तों देखिए, हमारा नारियल गोला भून गया है। अब इसमें हम ये 8 काजू हैं कटे हुए, इनको डाल देंगे। साथ में ये बादाम हैं 8-10, इनको भी डाल देंगे और इनको डाल के हम भूनेंगे थोड़ा सा। साथ में ये हम 1 बड़ा चम्मच हमने बूरा लिया है। आप रेगुलर चीनी भी पीस कर डाल सकते हैं। तो इसको डाल के हम 1 मिनट तक और भून लेंगे। दोस्तों देखिए, 1 मिनट हो गया है, गैस हम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये फिलिंग का मटेरियल ठंडा हो गया है। अब इसमें हम ये 1.5 बड़ा चम्मच हमने चॉकलेट चिप्स लिए थे, वो हमने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिए हैं। आप डबल बॉयलर में भी मेल्ट कर सकते हैं। अब इसको हम इसमें मिला देंगे और इसे अच्छे से हम सारे मटेरियल में मिक्स कर लेंगे। ये बहुत टेस्टी गुजिया बनने वाली है। ये फिलिंग का मटेरियल हमने तैयार कर लिया है, इसको एक तरफ रख देते हैं। ये मैदा भी हमारा हो गया है, इसको किए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब इसको एक बार और मल लेते हैं। दोस्तों इसकी अब एक लोई तोड़ लेते हैं। आपको जिस साइज की बनानी हो, मैंने इतना बड़ा साइज लिया है, इसको अच्छे से हम मसल कर पेड़ बना लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। इसको पूरी के आकार का बेलना है, पतला पतला बेलना है, जितना पतला हो जाए। अब इसमें हम ये फिलिंग हमने बनाई है, इसको हम सेंटर में रख लेंगे। कम ज्यादा जितनी भी आपको फिलिंग रखनी है। अब जो हमने मैदा सूखी निकाली थी, उसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है थोड़ा पानी डाल के। अब इसको हम भुजिया के चारों ओर लगा देंगे, जिससे कि ये हमारी खुले नहीं गुजिया। और इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे। देखिए, अब इसको इस तरह का कोई मोल्ड लेंगे, उसमें हम ये
अपनी भुजिया रख देंगे और इसको हम इस तरह से काट देंगे। हम हाथ से भी कर सकते हैं, इसको हाथ से भी गूंथ सकते हैं। देखिए देखिए कितनी अच्छी शेप आई है। इस तरह से ही हम सारी भुजिया तैयार कर लेंगे। इसको हम एक प्लेट में रख लेंगे और इस पर हल्का सा वही गीला कपड़ा ढक देंगे जिससे कि ये पपड़ाए नहीं। इसी तरह हम बेल के सारी भुजिया तैयार कर लेंगे। सारी भुजिया हमने बेल के भर के तैयार कर ली है। एक कढ़ाई में हमने घी गरम कर लिया है। अब इसमें हम ये भुजिया डाल देंगे। घी पहले एकदम गरम कर दिया है, फिर अभी गैस हमने एकदम स्लो कर दी है। जितनी घी में आ जाए उतनी भुजिया डाल दें। एक साथ इन्हें हमें स्लो पर ही तलना है। अभी हम इनको टच नहीं करेंगे, 2 मिनट बाद हम इनको टच करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम भुजिया को बदल देते हैं। धीमे आंच से बदलेंगे, कहीं फट जाएंगे। ये बड़े बच्चे सभी लोग पसंद करेंगे। थोड़ा चेंज हो जाएगा जैसे मावे की बनाते हैं। इस बार आप चॉकलेट की ट्राई करिएगा। भुजिया को हम फिर से बदल देते हैं। इसी तरह हम बदलते हुए इन्हें गोल्डन सेक लेंगे। ये भुजिया हमारी गोल्डन हो गई है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब इनको हम निकाल लेते हैं कढ़ाई के सहारे से लगा के और सर्व कर लेते हैं। तो ये टेस्टी चॉकलेटी भुजिया बनके तैयार है। देखिए मैं एक इनको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। देखिए इनका लुक कितना खूबसूरत है। तो आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जब हम इसको सर्व करें तो एक भुजिया पे थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल दें और इसमें थोड़ा ये हमने नारियल घिस लिया है, इसको डाल के हम सर्व करें तो ये और भी सुंदर लगेगी। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।